नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिले की चर्चित शिक्षण संस्थान मार्गदर्शन, उसके निदेशक कहिए या कर्ता धर्ता कहिए, प्रमोद कुमार शर्मा। इस शिक्षण संस्थान के बारे में बता दें कि यह शिक्षण संस्थान विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराती है, खासकर SSC व बैंकिंग के लिए यह जिले में चर्चित शिक्षण संस्थान है। पिछले 7 सालों से यह शिक्षण संस्थान जिले में कार्यरत है और लगभग अभी सैकड़ों लोग इससे जुड़कर यानी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न देश के कोने कोने में जाकर अपने स्वरोजगार कह सकते हैं या विभिन्न शिक्षण विभिन्न संस्थानों से जुड़कर अपना कह सकते हैं कि अपना वो जीवन का सुखमय जीवन गुजार रहे हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले सिटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रमोद जी। आपके आपने शिक्षण संस्थान की शुरुआत कैसे की और किन किन कठिनाइयों का दौर से गुजरा? शुरुआती दौर में तो कठिनाई हुई क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ उस तरह का नहीं था, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट। मैं पटना में रहा और लगभग वहाँ 15 वर्षों तक कार्य किया। वहाँ के बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, मैं पलामो प्रमंडल का ही रहने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ ला करके मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलूँ। आने के बाद यहाँ मुझे थोड़ी कठिनाई इसलिए हुई कि अधिकांशतः जो यहाँ के बच्चे थे पलायन कर जाते थे, पटना, रांची या अदर जगह पे जाते थे। वहाँ तैयारी का एक माहौल है अच्छा और वहाँ के लोग माहौल में रह करके पढ़ाई करते थे, तो यहाँ मैं देखा कि चलो कुछ दिन देखते हैं माहौल क्रिएट करके। धीरे धीरे मैंने प्रयास किया और आज मैं देखता हूँ कि बहुत परिवर्तन आया है, लोग समय के साथ क्षेत्र और विषय का चुनाव करने लगे, इससे बहुत खुशी होने लगी है। और इस तरह से आगे मैंने देखा कि धीरे 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 करते करते और आज मैं अच्छा एक मुकाम समझता हूँ कि पलामू में अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है, मेधावी भी हैं, हर तरह के बच्चे हैं, लेकिन वैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बाहर नहीं जा पाते हैं, वो लोग वंचित रह जाते थे शिक्षा से और उनको लगता था कि भाई हम भी जाते पटना रांची जाते और पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते थे, तो उनको फ़ायदा हुआ। यानी कह सकते हैं कि शिक्षा का एक हब तैयार हुआ है और अब बाहर में क्या लगता है कि बाहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या अच्छी शिक्षा डाल्टनगंज में भी बच्चों को मिल रही है? ज़रूर मिल रही है, क्योंकि इस तरह से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से यहाँ जॉब लग रहा है बच्चों का, हमारे संस्थान से भी या अदर संस्थान से भी, रामों में डालने में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे चल रहे हैं जहाँ से बच्चे अच्छे कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम समझते हैं कि और अच्छे अच्छे संस्थान आ जाएँ यहाँ पर और शिक्षा का माहौल तैयार हो तो और अच्छा होगा और अच्छे यहाँ से जॉब क्रिएट होगा। क्या लगता है कि यहाँ के बच्चे, आखिर कई बच्चों से आपको प्रतिदिन रूबरू होना पड़ता है जी, सैकड़ों बच्चे आपके पास, आप उनकी सोच क्या है, क्या वो क्या सोच करके या उनकी वो क्या सोचते हैं कॉलेज, जैसे ही कॉलेज से बाहर आते हैं या कह सकते हैं मैट्रिक बोर्ड पास करते हैं, तो क्या उनकी सोच क्या होती है बाहर जगहों में जाकर पढ़ाई करना, या खुद वो आपसे कुछ शेयर करते हो ना, कि क्या बात शेयर करते हैं? हाँ, शेयर करते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि बच्चे जब मैट्रिक पास आउट होते हैं तो उसके बाद उनको अपने क्षेत्र का चुनाव वहीं पर कर लेना चाहिए। दूसरा है कि जब कुछ बच्चे जब आते हैं हमारे पास, क्या करना चाहिए, कैसे करना, करियर काउंसलिंग के रूप में बच्चे जब आते हैं तो हम लोग से जितना बनता है अच्छे से परामर्श देने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिनका रुझान जिस क्षेत्र में हो, कार्य उसी क्षेत्र में करना चाहिए, यानी अपने क्षमता के अनुसार। और बाहर जाने का मतलब है कि बाहर में भी बच्चे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पढ़ा रहे सारे बच्चे पलामू में ही रह जा रहे हैं, बाहर जाते हैं, जिनका है जी कि नहीं चलो बाहर चल के यहाँ माहौल नहीं मिल रहा है, बाहर माहौल मिलेगा, बाहर जाके पढ़ते हैं, तो वो आर्थिक रूप से अगर संपन्न व्यक्ति है तो बाहर जाते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, मिल रही है शिक्षा, बहुत मिल। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं जिले के चर्चित शिक्षण संस्थान मार्गदर्शक इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रमोद कुमार शर्मा जी से। बता दें कि ये लगातार अपने शिक्षण के जरिए अपनी एक अच्छी मुकाम हासिल किया है और ज़िले में एक अलग पहचान बनाया है। लगातार इनके यहाँ बच्चों की संख्या तो बढ़ ही रही है, खासकर एक विश्वास भी लोगों को इस शिक्षण संस्थान पर मिल रहा है, विश्वास उनका बढ़ रहा है कि यह शिक्षण संस्थान अच्छा मार्गदर्शन देता है, जैसा कि नाम है मार्गदर्शन, मार्गदर्शन भी बच्चों को मिल रहा है। क्या लगता है प्रमोद जी, बच्चे यहाँ से जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा, क्या लगता है यहाँ
यहाँ जॉब, यहाँ से शिक्षण संस्थान सिर्फ आपके नहीं कई शिक्षण संस्थान से जो पढ़ रहे हैं, क्या उनका कितना परसेंट तक जॉब लग पाता है, कितने परसेंट बच्चे जो है सही जगह मुकाम हासिल कर लेते हैं? ऐसे परसेंटेज की जहाँ तक बात है, अभी पिछले कुछ समय पहले आप कोटा की भी चर्चा कर रहे थे, वहाँ पे 4% रिजल्ट होता है इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र, तो हम समझते हैं 10% भी रिजल्ट होता है तो बहुत अच्छा कहलाता है, और हम लोग प्रयास करते हैं कम से कम 10% से ऊपर रिजल्ट, और ऐसा होता है, यहाँ मिल रहा है जी, ऐसा होता है यहाँ पर भी मिल रहा है। प्रमुख ये बात बताइए कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, उसको किस नज़रिए में आप देखते हैं, कितना कमज़ोर है और कितना वो लाचार है, या कह सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था आपके आपके नज़रिए? सरकारी जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी तो है कहीं, क्योंकि इसमें बच्चों का बहुत ही फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, उस तरह से हो नहीं पा रहा हर एक, चाहे वो सरकारी विद्यालय अंडर मैट्रिक भी कह सकते हैं, जहाँ पे आज हम समझते हैं कि बच्चे नहीं जाते हैं, नहीं के बराबर हैं, या कहीं अगर बच्चे आ रहे हैं तो शिक्षक नहीं है, और शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं हैं, तो एक अलग रूप में देखा जा रहा है। प्राइवेट का क्यों रुझान बच्चों को पेरेंट्स को बढ़ रहा है कि अपने बच्चे को प्राइवेट की तरफ ले जाए, कोई कारण तो होगा, किसी अच्छे संपन्न व्यक्ति के बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं जाते हैं। अच्छा, शिक्षक में ऐसा नहीं है कि शिक्षक वहाँ टैलेंटेड नहीं, हम समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जितने टीचर है वहाँ पे एजुकेटेड हैं या फिर टैलेंटेड हैं, उससे ज़्यादा हमारे सरकारी विद्यालय में शिक्षक टैलेंटेड, लेकिन है क्या कि यहाँ का जो माहौल है, शिक्षा का स्तर है, वह गवर्नमेंट के पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ सरकारी जो भी व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ना शुरू करें, तो हम समझते हैं कि प्राइवेट का अस्तित्व धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और सरकारी विद्यालय का अस्तित्व ऊपर उठता चला जाएगा। यानी जितने लोग अधिकारी हों या सरकारी कर्मी हों, अगर उनके बच्चे स्कूल सरकारी स्कूल की तरफ अगर रुझान करते हैं, तो निश्चित रूप से प्राइवेट जो स्कूल जो इतने चमक दमक के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी, उनका डिक्रीजेशन शुरू हो जाएगा जी। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं जिले के चर्चित शिक्षण संस्थान मार्गदर्शन के निदेशक प्रमोद जी से। प्रमोद जी, बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं, लोगों को भविष्य मिल रहा है, शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से सरकारी चौपट जैसा कि आपने कहा कि व्यवस्था, आखिर क्या बात है, ये व्यवस्था व्यवस्था इस तरह की है उसके कारण जो है इंस्टीट्यूट की ओर रुख कर रहे हैं छात्र, कि अगर कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही या स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही उस कारण से इंस्टीट्यूट की तरफ रुख कर रहे हैं, या वो अपने भविष्य को देखते हैं कि नहीं यहाँ से मेरा ब्राइट फ्यूचर है वो देख कर रुख कर रहे हैं? अगर सरकारी विद्यालय में, कॉलेज में या सरकारी संस्थानों में अगर अच्छी व्यवस्था हो जाए तो बच्चे अब यहाँ खर्च करने के लिए प्राइवेट संस्थानों में क्यों आएंगे, वहीं पर अगर अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो यहाँ नहीं आएंगे, और जितने संस्थान हैं वो लोग भी अपने अपने कार्य में देखेंगे, दूसरा कार्य व्यवसाय देखेंगे, और हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास बच्चे हैं पीजी होल्डर भी आते हैं या एमएससी करके बीएससी करके आते हैं बच्चे, उन लोगों में आखिर टैलेंट की कमी हो जाती है, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ, अगर जो ग्रेजुएशन करके बच्चा आ रहा है बीएससी एमएससी मैथ से करके आ रहा है, अगर एक सामान्य अगर क्वेश्चन नहीं बनाता है तो कहीं ना कहीं कुछ है कमी, जबकि वो एमएससी अगर करके आया है तो एक रिसर्चर के रूप में होना चाहिए उस विद्यार्थी को, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसका इतना स्टैंडर्ड लो होता है कि मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं शिक्षण व्यवस्था में कमी है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, ये विश्वविद्यालय को होना चाहिए कि हमारे आखिर छात्र संघ का चुनाव हुआ, लगातार छात्र संघ लड़ाई लड़ रहा है कि छात्रों को स्कूल कॉलेजों की ओर रुख करने के लिए, कितना प्रभाव पड़ा है छात्र संघ का चुनाव? अभी छात्र संघ का चुनाव अब तो हम ये नहीं कह सकते, चूँकि विद्यालय से उस तरह का हम अभी परिचित नहीं है कि किस तरह से क्लासेस चल रहे हैं, जनरल तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सामाजिक रूप से देखा जाए या जो बच्चों से रुझान आती है देखिए ऐसे कॉलेज में चल रहा है, तो हमको नहीं लगता जिस प्रॉपर वे में जो क्लासेस चलता है, क्वालिटी युक्त जो वहाँ शिक्षा व्यवस्था हो रही है, अभी देखिए जो एग्जामिनेशन हो रहा है बहुत सारे बच्चे एक्सपेल्ड हो रहे हैं, लेकिन अपोज भी लोग कर रहे हैं कि नहीं ठीक है एक्सपेल्ड किया जा रहा है वो ठीक है अच्छी चीज़ है, लेकिन व्यवस्था शिक्षा की अगर होती शायद ये ऐसा मौका ना नहीं। यानी शिक्षा में अगर सुधार होता या सरकारी शिक्षा में थोड़ी सी सुधार होती तो लोगों का, खासकर छात्रों का रुझान इंस्टीट्यूट की ओर नहीं होता, और
जिस तरह की अभी हाल में सामने में सभी बातें खुलकर सामने आई है, परीक्षा के दौरान काफ़ी बच्चे एक्सपेल्ड हुए, चोरी करते लोगों ने जिला प्रशासन ने पकड़ा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी है शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें, सरकारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है। आप चूँकि खुद एक निदेशक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप क्या बच्चों से उम्मीद करते हैं और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और समय के साथ सोचें कि हमको जाना कहाँ है, और उसमें लगन के साथ मेहनत करें और विश्वास के साथ लगे रहें। जो व्यक्ति लगा हुआ है हम देखते हैं सफलता उसे जरूर मिलती है, और ये हमारे बच्चों को या कहीं के बच्चों को मैंने देखा है। 20 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, 15 साल तो मैं पटना में ही कार्य किया, 5-7 साल से मैं राजधानी में कार्य कर रहा हूँ। इस दौरान मैं देखा कि जो बच्चे कमज़ोर भी हैं, लगे हुए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल लगे हुए हैं, उनको आज जॉब मिल रहा है। आज मेरे यहाँ से बहुत सारे बच्चे बैंक मैनेजर भी बने हैं। देखिए हमारे यहाँ से एक सीरियस कंप्लीट करके आपको लेफ्टिनेंट भी बने हैं, अंकित मिश्रा जी हैं, और बहुत अभी ऑडिटर 2-4 बच्चे बने हुए हैं, एक टैक्स असिस्टेंट बने हुए हैं, रेलवे में मास स्किल के बच्चे मेरे यहाँ से गए। तो उन लोग को मैंने देखा, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ जितने बच्चे आते सारे बच्चों का जॉब हो जाता, ये नहीं कर सकते, लेकिन ये है जो लगा हुआ है, ईमानदार है, वो कहीं ना कहीं जॉब में जा रहा है। और चूँकि पलामू एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं, ट्रेडिशनल सेंटर में प्राइवेट अपॉर्चुनिटी नहीं, और एक परिवार को चलाने के लिए अच्छा इनकम होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्राइवेट ऐसा यहाँ नहीं है कि एक परिवार को चलाने में जितना खर्च हो वहाँ से मिल पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं ये कि यहाँ पर अगर छोटी नौकरी भी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब लेना है तो थोड़ा धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, लगन के साथ मेहनत करें, और अच्छा सही मार्गदर्शन कहीं ना कहीं से अगर प्राप्त करते हैं तो आपका क्या है कि जहाँ पे कार्य अगर ज़्यादा समय लगे कम समय में आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी मार्गदर्शन चाहिए तो मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ओर रुख करें। जैसा कि प्रमोद जी का कहना है कि बच्चों को अपने ऊपर भरोसा होनी चाहिए, सबसे पहले विश्वास, और कड़ी मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। यानी या तो आप मैट्रिक पास करते हैं तो खुद सेल्फ डिसीजन लीजिए कि आपको जाना किस क्षेत्र में है, और डेडिकेटेड के साथ ईमानदारी पूर्वक उस पर पूरी मेहनत करिए। कड़ी मेहनत एक दिन आपको परिश्रम का फल जरूर मीठा देगा, और यही मेहनत आपको आने वाला अपने सुनहरे भविष्य, जो सपने देखते हैं वो सपने आपके पूरे होंगे। ज़रूरत है आपको कड़ी मेहनत करने की, ईमानदारी पूर्वक करने की, और लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान बनाकर रखने की। जिसका लक्ष्य अगर साफ दिखाई दे रहा हो, निश्चित रूप से वो, अगर अभी जैसा प्रमोद जी ने कहा कि कमज़ोर भी बच्चे हो और अगर अपने लक्ष्य के प्रति दायित्व पूरी तरह से निभाते हो तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। ज़रूरत है कड़ी मेहनत की और एक लगन के साथ अच्छे परिश्रम की, ताकि ये जो है आपके गुरु, यानी कह सकते हैं कि शिक्षा के गुरु बतला रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे किसी और नए शख्स के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।